इसका मतलब कि गूगल क्रोम जो है विंडोज़ का, उसमें मेरा व्हाट्सअप जो है एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो चुका है। देखो मेरे, देख सकते हो कि मेरे लैपटॉप का जो ब्राउज़र है उसमें भी व्हाट्सअप मेरा एज इट इज़ ओपन हो गया है ना, दिख रहा है आपको। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो मेरे मोबाइल पे दिख रहा है एज इट इज़ वो सारा कुछ वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो गया है। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं लैपटॉप में व्हाट्सअप कैसे चलाएं, यानी हाउ टू डाउनलोड व्हाट्सअप इन योर लैपटॉप। आपके फ़ोन में जो व्हाट्सअप है ना, आप उसको अपने लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके फ़ोन में कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपको अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर व्हाट्सअप आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आपका कोई दुकान है या फिर कोई साइबर कैफे है जहाँ पर कोई कस्टमर आता है प्रिंट आउट करवाने के लिए, तो आप उसके डॉक्यूमेंट को भी जो है डायरेक्ट अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं व्हाट्सएप की मदद से। अब आप बोलोगे यार हम अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप को यूज करेंगे कैसे, तो अभी जो है मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है आप अपने लैपटॉप के ब्राउजर में गूगल ओपन कर लो और यहां पर सर्च करो व्हाट्सएप वेब। उसके बाद देखो यहाँ पे WhatsApp वेब का जो है पहला लिंक आ गया है, सिंपली से आप इसको ओपन कर दो। उसके बाद देखो WhatsApp का जो है वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे तीन स्टेप्स आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपना मोबाइल के WhatsApp को यहाँ पे कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे QR कोड भी दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आना है आपको अपने मोबाइल के WhatsApp पे, ठीक है। तो अपने मोबाइल में WhatsApp को ओपन कर लो और यहाँ पे जो है आपको 3 डॉट जो दिख रहा है इस पे सिंपली से क्लिक कर दो। उसके बाद देखो इसके अंदर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लिंक्ड डिवाइसेस का। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो यहां पे लिखेगा लिंक अ डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आने का एक और तरीका है। तो जब हम लिंक के बारे में सीख ही रहे हैं तो चलो उसको भी सीख लेते हैं। तो बैक करो एंड बैक आने के बाद वापस से आपको यहाँ पे नीचे में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, है ना। तो जैसे ही इसके अंदर आओगे देखो यहाँ पे प्रोफाइल का एक आइकन दिख रहा है, ठीक इसका राइट साइड में यहाँ पे QR कोड का एक छोटा सा आइकन दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको दो सेक्शन दिखेगा, माय कोड का और दूसरा है स्कैन कोड का। तो माय कोड का हमें कोई मतलब नहीं है, स्कैन कोड पे आ जाओ। और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे बोल रहा है स्कैन व्हाट्सएप QR कोड, तो सिंपली से आप यहाँ पे ओके कर दो इसको, है ना। उसके बाद जैसे स्कैन करोगे तो एक छोटा सा फिर से एक पॉपअप आएगा जो कि बोल रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप को जो है दूसरे डिवाइस के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो सिंपली से आप इसको कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दो, उसके बाद जो है ये स्कैन होगा, एक छोटा सा पॉपअप फिर से आएगा और इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लिंक अ डिवाइस, ठीक है। हम ये वहीं पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम उस तरीके से आए थे, है ना। चलो लिंक अ डिवाइस पर क्लिक कर दो। उसके बाद जो है आपको सिंपली से यूज पासवर्ड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में जो भी व्हाट्सअप है उसमें आपने जो भी लॉक लगा रखा है, चाहे पिन या पासवर्ड जो भी, तो आपको उसको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पिन डाल के अनलॉक करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप परमिशन दे रहे हैं अपने व्हाट्सअप को जो कि है डेस्कटॉप में चलाने का, ठीक है। तो उसको जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो उसके बाद एक पॉपअप आएगा, सिंपली से आप इसको ओके कर दो। उसके बाद वापस से आपको जो है लैपटॉप का जो QR कोड था उसको स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करोगे तो यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुल डन हो गया, और देखो आपके जो है यहाँ पे मोबाइल पे नीचे में दिख रहा है डिवाइस स्टेटस का, जस्ट उसके नीचे दिख रहा है गूगल क्रोम विंडोज़, ठीक है। इसका मतलब कि गूगल क्रोम जो है विंडोज़ का, उसमें मेरा व्हाट्सअप जो है एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो चुका है। देखो मेरे, देख सकते हो कि मेरे लैपटॉप का जो ब्राउज़र है उसमें भी व्हाट्सअप मेरा एज इट इज़ ओपन हो गया है ना, दिख रहा है आपको। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो मेरे मोबाइल पे दिख रहा है एज इट इज़ वो सारा कुछ वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो गया है ना। तो अब मैं आपको एक चैट के अंदर चल के दिखाता हूँ, कि यानी कि एक प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ और देख सकते हैं कि ये सारा एज इट इज़ वैसा ही दिख रहा है जैसे हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, मैसेज का, ठीक है, और यहाँ पे अटैचमेंट का, उसके बाद इमोजी का, स्टोरी का। यहाँ पे मैं जैसे अगर हाई लिख देता हूँ तो देखो मैंने हाई लिख दिया। तो इस तरीके से जो है आप एकदम प्रॉपरली जो है आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप वर्जन में, यानी कि आप किसी तरीके से भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और हाँ, सिर्फ आपके लिए 2 वीडियो का यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड इन्जॉय करो।